नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है टिकम सिंह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर वर्ल्ड में। और आज हम आपको यहाँ पे ये बताने जा रहे हैं कि आप अपनी दुकान पर POS मशीन कैसे लगवा सकते हैं, यानी कि POS मशीन कैसे लगवा सकते हैं। आपका बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, आप अपने बिजनेस में POS मशीन लगा सकते हैं। और आपको यहाँ पे बताएंगे कि POS मशीन क्या होता है, POS मशीन को कैसे लगवा सकते हैं, ठीक है, और POS मशीन को लगवाने का पूरा प्रोसेस क्या है, ठीक है, और इससे क्या क्या काम कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले आपको बता दें कि POS मशीन होता क्या है और दिखता कैसा है ये, ठीक है। तो POS मशीन कुछ इस टाइप से दिखता है, आप देख सकते हैं ये POS मशीन है। POS मशीन का पूरा नाम यानी POS मशीन का पूरा नाम होता है पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि आप इससे क्या कर सकते हैं, जो आपके पास कस्टमर आते हैं उनके खाते से यानी कि उनके ATM कार्ड्स के द्वारा इससे पेमेंट ले सकते हैं, यानी कि उनके ATM कार्ड को स्वैप करके आप पेमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको बताते हैं कि ये POS मशीन आप अपनी दुकान पर कैसे लगवा सकते हैं। तो इसके आपको यहाँ पर मैं दो तरीके बताऊंगा। सबसे पहला तरीका तो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहला तरीका है बैंक। आपके पास जिस बैंक का खाता है, आप उस बैंक के पास जाइए, आप उनसे बोलिए कि हमें POS मशीन लगवाना है अपनी दुकान पर, तो वो आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि POS मशीन कैसे लगेगी और इसके क्या क्या चार्जेज हैं और आपको क्या कमीशन मिलने वाला है। तो दोस्तों इसमें नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स आप जो लगा आपके जो लगने वाले हैं वो पैन कार्ड है, आपका उस बैंक में खाता होना चाहिए, ठीक है, और आपका जो बिजनेस है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब दूसरा तरीका आपको बताएंगे कि आप कंपनी के थ्रू POS मशीन लगवा सकते हैं। सबसे पहली कंपनी है ऑक्सीजन, ये ट्रस्टेड कंपनी है ऑक्सीजन, इसके थ्रू आप POS मशीन लगवा सकते हैं। इसके आपको फीचर्स बताते हैं कि फीचर्स में इससे आप क्या क्या कर सकते हैं। इससे रिचार्ज और बिल पे सर्विस कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सारे कार्ड एक्सेप्ट होते हैं, रुपए कार्ड इसमें एक्सेप्ट होता है, यानी कि जो जनधन योजना के तहत जो कार्ड बटे हैं वो रुपए कार्ड इसमें एक्सेप्ट होते हैं, ठीक है। और इसमें आप आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम भी है, यानी कि आप आधार से पैसे निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस कंपनी से POS मशीन लगवा सकते हैं अपनी दुकान पर, ठीक है। तो इससे लगवाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये कॉन्टैक्ट टैब में जाना होगा, आपको इस कॉन्टैक्ट टैब पे क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे ही आप कॉन्टैक्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो ये आपके साथ सामने ये पेज खुल के आ जाएगा कॉन्टैक्ट अस का। यहाँ पे आप अपनी डिटेल फिल कर दीजिए, यानी कि आप सब्जेक्ट फिल कर दीजिए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप इसमें अदर सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ अपना नाम डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, स्टेट डाल दीजिए और यहाँ पे अपना सिटी, ईमेल आईडी और मैसेज लिख दीजिए उन्हें, तो यहाँ आपसे कंपनी कॉन्टैक्ट कर लेंगी और आपको बता देंगी कि हमारे चार्जेस क्या हैं या आपको इस मशीन के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, और आपको कमीशन क्या मिलेगा। और दूसरी कंपनी है पेयू मनी, आप वेबसाइट देख सकते हैं इसकी, पेयू मनी www.payumoney.com/cardswipe-machine, ठीक है। आप इस वेबसाइट पे डायरेक्ट जा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आप को ये भी POS मशीन लगवाते हैं। ये वेबसाइट पेयू मनी ट्रस्टेड वेबसाइट है, ऐसा कुछ नहीं है कि फर्जीवाड़ी वेबसाइट है, ठीक है। आप गूगल में डालेंगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइटें मिल जाएंगी जिससे आप ये POS मशीन लगवा सकते हैं, मगर आपके साथ वहाँ पर फर्जीवाड़ा हो सकता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे कुछ ट्रस्टेड कंपनीज की बात कर रहा हूँ कि आप किससे POS मशीन लगवा सकते हैं। ये ट्रस्टेड कंपनी है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ से POS मशीन लगवा सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे लगाते हैं POS मशीन, आप ये देख सकते हैं कार्ड स्वाइप मशीन, या तो आप सिंपली इस पे, ये आपको नंबर एक दिख रहा होगा यहाँ पे मोबाइल नंबर, आप इस पे सिंपली एक मिस कॉल देते हैं, ठीक है, तो वो आपको बैक कॉल कर लेंगे और आपको बता देंगे कि इसको मशीन को आप कैसे लगवा सकते हैं, आपको कितने पैसे खर्च करने होंगे इस मशीन को लगवाने के लिए, ठीक है, और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें देने होंगे, ठीक है। तो वैसे नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स इसमें पैन कार्ड वगैरह लगता है, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट्स वगैरह वगैरह लगता है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं लगता है इसमें।
बिजनेस रजिस्टर्ड होना भी ज़रूरी नहीं है, ये आपको बिना बिजनेस रजिस्टर्ड भी आपको ये पोस मशीन लगवा देते हैं, ठीक है। और ये पोस मशीन आपके किसी भी बैंक अकाउंट से लिंक कर देते हैं। अब आप देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कैंसिल चेक और पैन कार्ड की ज़रूरत है, मिनिमम डॉक्यूमेंट, ठीक। और गेट मनी इन एनी योर बैंक अकाउंट, इसका मतलब है यानी कि आप इससे मनी अपनी किसी भी बैंक अकाउंट को इस मशीन से लिंक कर सकते हैं जिसमें आप पैसा ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो है वायरलेस और कनेक्टिविटी जो है वो आप किसी भी सिम, वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया वगैरह से इसमें GPRS कनेक्शन से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें पेपर रोल भी नहीं होता, नो पेपर रोल नीडेड, यानी कि आपको इसमें कोई पेपर रोल की ज़रूरत नहीं होती, पेपर रोल के लिए अलग से खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने देखा होगा कि जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं किसी मशीन द्वारा से, तो आप यानी कि आपने कहीं दुकान पर देखा होगा तो उसमें एक पेपर निकल के आता है रोल से, जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसको ओके करते हैं तो वो प्रिंट होके आता है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको उसका कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना होगा, और जैसे ही आप कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल देंगे तो वो कस्टमर के मोबाइल नंबर पे जो है स्लिप भेज देते हैं, कुछ इस टाइप से आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। और इसमें सभी तरह के कार्ड एक्सेप्ट होते हैं, यानी कि आप रुपए कार्ड, वीज़ा कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मैस्ट्रो कार्ड, मास्टर कार्ड, सारे कार्ड इसमें एक्सेप्ट होते हैं। तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जो है, यानी कि आप इस नंबर पर मिस कॉल दे देंगे, उधर से कॉन्टैक्ट कर लेंगे और आपको बता देंगे कि इसका सर्विस टैक्स क्या, यानी कि आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा इसके लिए लगवाने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।